हे गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। यम। अंदर से बिल्कुल जूसी स्टफिंग अच्छे से है और मोमोज की स्किन बिल्कुल पतली है। नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशुर। आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ वेज मोमोज, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड स्नैक है, जिसे बच्चे तो बच्चे पर बड़े भी उतना ही पसंद करते हैं। मैं इस रेसिपी को फ्रॉम स्क्रैच बना रही हूँ विद माय टिप्स एंड ट्रिक्स, तो इसे आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी परफेक्ट मोमोज बनाना चाहते हैं तो। ये बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए आज की इस इजी रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप वन, मेकिंग मोमोज डो। डो बनाने के लिए बेसिकली हम लेंगे मैदा, नमक, ऑयल और गुनगुना पानी। अब एक बोल में डालेंगे मैदा, नमक, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालकर मिक्स करेंगे। और बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी डालकर डो को कंबाइन करेंगे। जब डो कंबाइन हो जाएगा तब इसे अच्छे से 5-7 मिनट तक गूंदेंगे। जब तक ये इस तरह से बाउंस बैक करे। अब इसे डैम क्लॉथ या गीले कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखेंगे। स्टेप टू, प्रिपेयरिंग स्टफिंग, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज, जिसे फूड प्रोसेसर में बिल्कुल बारीक काटेंगे, बंद गोभी या पत्ता गोभी, जिसे मैंने फूड प्रोसेसर में बिल्कुल बारीक काट लिया है, गाजर को भी बिल्कुल वैसे ही बारीक किया है और धनिया पत्ती को भी चॉप कर लिया है। पनीर को हाथों से अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। साथ ही में लेंगे सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, अदरक का पेस्ट और ऑयल। अब पैन को गरम करके इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, प्याज भी डालकर मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे पत्ता गोभी, गाजर, इन्हें सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक ही सॉटे करना है और वो भी हाई फ्लेम पर। अब ऐड करेंगे सोया सॉस, काली मिर्च और नमक, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब फ्लेम ऑफ करके इसमें क्रम्बल्ड पनीर भी मिक्स कर लेंगे। बोल में या प्लेट में इन्हें ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा होने रख देंगे। स्टेप 3, शेपिंग द मोमोज। तो अब डो को खोलकर एक बार फिर से हल्का सा नीडिंग कर लेंगे ताकि डो हमारा स्मूथ हो जाए। अब इसे हाफ कट कर लेंगे। और हाफ डो को कपड़े से वापस ढक देंगे ताकि बाकी डो ड्राई ना हो। तो अब मैं आपको मोमो शीट बनाने का पहला तरीका बता रही हूँ, जिसके लिए हाफ डो को लॉक की तरह रोल करेंगे और इसमें से सेम साइज की लोइयां कट कर लेंगे। अब इन्हें भी ढककर रख देंगे और एट अ टाइम एक ही लोई निकालेंगे ताकि बाकी लोई ड्राई ना हो। तो अब बारी आती है इन्हें बेलने की।
तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे सरफेस पर और बेलना स्टार्ट करेंगे। शीट को साइड से बेलते जाएंगे, बीच में से नहीं बेलना है। बेसिकली शीट को जितना हो सके आप उतना पतला करिए। अगर शीट थोड़ी सी भी मोटी रह जाती है तो स्टीम होने के बाद मोमोज की शीट थोड़ी सी मोटी और समटाइम अनकुक रह जाती है। तो अब दूसरा तरीका जो एक्चुअली मेरा फेवरेट है, जिससे मोमोज बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। थोड़े से डो को निकाल कर फिर से स्मूथ कर लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। और शीट को जितना पतला हो सके उतना पतला बेलते जाएं। ये देखिए, ये शीट काइंड ऑफ अ ट्रांसलूसेंट सी हो गई है। जैसे आप दूसरी साइड से मेरा हाथ आप देख सकते हैं, तो इसे इतना पतला ही बेलना है। तो अब इसे किसी कुकी कटर या ग्लास या कटोरी की हेल्प से कट कर लेंगे। और जो बच जाएगा उसे अभी रख देते हैं और इसे फिर से बेलेंगे। और ये जो कटने के बाद हमारी शीट है, ये हमारी परफेक्ट मोमोज की शीट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें स्टफिंग करके इसे स्टीम करेंगे तो ये डेफिनेटली शीट मोटी रह जाएगी और अनकुक रह जाएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मोमोज बनाए हैं। तो अब इन शीट्स के किनारों को फिर से बेलना है और इसे जितना पतला कर सकें उसे पतला करें। जब ये इसके किनारे मोटे से पतले हो जाएंगे इस तरह से, तब इसमें हम एक चम्मच स्टफिंग अच्छे से भरेंगे, क्योंकि मुझे तो मोमोज में अच्छे से स्टफिंग हो तभी पसंद आते हैं, नहीं तो वो सिर्फ मैदा मैदा मुंह में लगता है। तो एक चम्मच स्टफिंग को अच्छे से भरकर इन्हें साइड से पकड़कर प्लीट्स को पिंच करते जाएंगे इंडेक्स फिंगर से, और पीछे से थंब से प्रेस करते हुए इन्हें बंद करते जाएंगे, और फिर इन्हें इस तरह से प्रेस करते हुए सील कर देंगे। वैसे ये थोड़ा सा जल्दी हो गया, तो मैं आपको पास से बिल्कुल स्लो स्लो करके बताती हूँ। तो इसे बंद करने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब यानी कि अंगूठे से काम लेना है, जैसे साइड से पकड़कर प्लीट्स बनाकर फिंगर से इस तरह से पिंच करी और पीछे से थंब से प्रेस करते गए, और फिर से प्लीट लेकर फिंगर से पिंच करते जाएंगे और बैक से थंब से प्रेस करते जाएंगे, जब तक ये पूरा कॉर्नर तक हो जाए। तब इसे अच्छे से प्रेस करके सील कर देंगे। आप चाहें तो साइड्स को इस तरह से पिंच करके राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो सेम वे हमारे सब मोमोज को शेप देते जाएंगे। स्टेप 4, स्टीमिंग द मोमोज। तो मोमोज की शेप तो हमने अच्छे से दे दी है, तो अब बचा है इन्हें स्टीम करना। तो अब मेरे पास मोमोज स्टीम करने के लिए मोमो स्टीमर तो है ही नहीं, तो इसके लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ये छन्नी, जिस पर इस तरह से बंद गोभी के पत्ते लगाकर मोमोज को रखकर फिर स्टीम करती हूँ। वैसे आपके पास अगर मोमोज स्टीमर हो या इडली मेकर हो तो आप उसमें भी मोमोज बना सकते हैं। तो साथ ही मैंने एक पैन में पानी डालकर ढककर बॉईल करने के लिए रख दिया था, और ये अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब इसके ऊपर रखेंगे हमारी छन्नी जिसमें हमने मोमोज रखे हैं, और इसे किसी भी ढक्कन या प्लेट से अच्छे से ढक देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। तो 15 मिनट के बाद अब आप इन्हें खोलेंगे तो इनके ऊपर स्टीम की वजह से ये ग्लॉसी हो जाएंगे, जैसे फेशियल के बाद स्टीम लेने से स्किन एकदम से चमक जाती है, बिल्कुल वैसे ही। तो बस हमारे मोमोज भी बनकर तैयार हैं। तो अब इन्हें ट्रांसफर करेंगे किसी भी सर्विंग प्लेट में या इस तरह के सिल्वर फॉयल वाले डब्बे में, जिससे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये मोमोज खुद बनाए हैं या ऑर्डर करे हैं। वैसे मेरे तो मुँह में बहुत पानी आ गया है, तो मैं ये आपको टेस्ट करके बताती हूँ। यम। तो आपको मैं इसे अंदर से भी दिखा देती हूँ। अंदर से बिल्कुल जूसी स्टफिंग अच्छे से है और मोमोज की स्किन बिल्कुल पतली है,
आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स फ्री. थैंक यू फॉर वॉचिंग.